हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग 11th क्लास का मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, मूल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मूल इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो बेसिकली मूल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसेस सब्सटेंस एट एसटीपी विल बी 22.4 लीटर। ओके, इस वॉल्यूम को भी हम लोग कह सकते हैं, इस कॉल्ड मोलर वॉल्यूम बोलोगे, इस कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई गैसेस है, 1 मोल गैसेस है, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। कब, एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, बात समझ में आ रहा है, प्रेशर कितना यूज करोगे, 1 atm या 1 bar यूज करेंगे, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, कि 1 mole इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, 1 mole इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, और क्या हो जाएगा, 22400 मिलीलीटर बोल सकते हो, या सीसी में भी बोल सकते हैं, एट एसटीपी। बात समझ में आ रहा है, कोई भी गैस होगा एसटीपी के ऊपर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, 22.4 लीटर हो जाएगा। नहीं तो क्या बोलोगे, 22400 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर एट एसटीपी। एसटीपी समझ में आ गया ना, एसटीपी का मतलब क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, रूम टेम्परेचर यूज करोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं तो फिर क्या, उसको क्या लिख सकते हो, 298 केल्विन लिख सकते हो। और जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या होगा तुम्हारा बताओ, 1 atm यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखोगे इसको, कि एसटीपी पे एनी गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। बात समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया बताओ कि 1 mole CO2, है ना, तो 1 mole CO2 एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा उसका, तो क्या बोलोगे, 22.4 लीटर बोलोगे। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, 1 mole अमोनिया, ठीक है, तो 1 mole अमोनिया कितना हो जाएगा, अगेन 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 mole हमने ले लिया क्या, मीथेन, तो 1 mole मीथेन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो सारे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर ही होगा, कहाँ पे, एसटीपी पे। बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने बताया था आपको कि इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 mole इज इक्वल टू 6.022 × 10³। मास के टर्म्स में मैंने क्या बताया था, मास के टर्म्स में क्या बताया था, कि कोई एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, और कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और वॉल्यूम टर्म के टर्म्स में ऑलवेज आप क्या बोलोगे, कि 1 mole गैसेस सब्सटेंस एट एसटीपी ऑलवेज 22.4 लीटर। आप इसको कॉपी कर लो। ओके, बच्चे समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने मोल क्या देखा, इन टर्म्स ऑफ नंबर देखा, इन टर्म्स ऑफ मास देखा, और इन टर्म्स ऑफ क्या देखा, वॉल्यूम देखा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आपको क्या कैलकुलेट करना बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जो भी गिवन वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, गिवन वॉल्यूम, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, तो ये यहां से क्या निकल जाएगा, मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगर मिलीलीटर में है तो क्या करोगे, इसको मिलीलीटर में चेंज करोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे क्वेश्चन ले लूं, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, मान लो हमने यहां पे ले लिया 56.4 लीटर O2 एट एसटीपी। बात समझ में आ रहा है। दूसरा अगर मैं ले लू यहां पे 11.2 लीटर CH4 एट एसटीपी। ओके, सो इसको फ्रेंड्स अगर क्या करोगे तुम, अगर इसको मोल्स में चेंज करना है, तो अगेन क्या याद रखोगे कि एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो गिवन वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना आ जाएगा बताओ, गिवन वॉल्यूम कितना है, 56.4 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 22.4, वो मेरा क्या निकल जाएगा,
क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगेन इसमें भी वही करोगे, गिवन वॉल्यूम जो भी दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, तीसरा मैं ये ले लू यहां पे 112 मिलीलीटर ऑफ NH3 एट STP। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 112, ठीक है। तो जब ऊपर दिया हुआ मिलीलीटर में, तो इसको भी हम किसमें चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर में, तो कितना हो जाएगा बताओ, इससे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। लिख लो आप इसको, कर लिया कॉपी। ओके, अब देखो बच्चे मैं क्या करूं यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि मोल का, है ना, क्वेश्चन इजिली, है ना, विद इन अ मिनट कैसे तुम कैलकुलेट कर लोगे, बात समझ में आ रही ना। तो अगर जरा देखो मैं तीनों को अगर मिला दूं, एक में अगर रिलेशन निकालू नंबर को, मास को, और किसमें, वॉल्यूम में, देखो अगर मैंने यहां पे लिखा कि वन मोल, ओके, वन मोल CO2, ठीक है बच्चा, तो वन मोल CO2 को अगर नंबर के टर्म्स में लिखोगे, तो मैंने बताया था, याद करवाया था, ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले क्या फर्स्ट जो लेक्चर है इसका वो आप देख लेना, तभी समझ में आएगा। तो वन मोल CO2 मैंने क्या बताया था, बताओ ऑलवेज कितने के बराबर, 6.022 × 10⁻³। क्यों, कि जैसे 1 dozen 12 होता है, तो वैसे ही ऑलवेज वन मोल कितने के बराबर हो जाएगा, 6.022 × 10⁻³, और उसी को n कहते हैं, n दैट इज द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे बताओ, n मॉलिक्यूल्स लिखोगे, बोलो जी n मॉलिक्यूल्स बोलोगे, सर n मॉलिक्यूल्स होता है, अगर मैं इसमें अगर एटम पूछ लू कितना एटम है, तो दिख रहा है ना कि एक मोल में कितना है, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम कितना हो रहा है बताओ, 3, बात समझ में आ रहा है ना। तो एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है, तो हमको कितना चाहिए, वन मोल पे कितना हो जाएगा, n से इंटू कर दोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3n एटम हो गया, बात समझ में आ रही है। अगर इसको मास के टर्म्स में पूछोगे, तो मास के टर्म्स में कितना हो जाएगा बताओ, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा 44 ग्राम, बताया था कैलकुलेट करके, और वॉल्यूम के टर्म्स में कितना हो जाएगा बताओ, 22.4 लीटर। एकदम अगर ऐसे अगर लिख पा रहे हो, तो इजिली क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो, बात समझ में आ रही ना। जैसे अगर सपोज करो हमने यहाँ पे लिया वन मोल अमोनिया, तीनों को एक साथ लिख दो, तो वन मोल अमोनिया में कितना हो जाएगा बताओ, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्या ये लिख पाओगे तुम लोग, एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, देखो 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे n से इंटू कर दोगे, तो 4n एटम हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और मास के टर्म से कितना हो जाएगा, अमोनिया का मोलर मास निकाल दो, कितना हो जाएगा, 17 ग्राम, और वॉल्यूम के टर्म्स में कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर एट STP, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसी को देखो हम लोग यूज कहां पे करेंगे, क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो चलो सपोज करो, अगर मान लो क्वेश्चन तुमसे ये पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मिथेन, CH4 कहता है, ठीक है बच्चे। यहां पे क्या पूछ रहा है कि 1.6 ग्राम ऑफ मिथेन में मिथेन का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, इजिली हम लोग फाइंड करेंगे। अब जरा देखो, पहली बात सबसे पहले क्या लिख लेना, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। विद इन अ मिनट इसको सॉल्व करोगे, कैसे लिखोगे, अभी बार बार मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि वन मोल CH4। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है और मास दिया हुआ है, मतलब तुमको क्या सोचना है, ये नंबर और मास के बीच में रिलेशन है, समझ जाओगे ना। नंबर दिया हुआ है, नंबर पूछ रहा है और मास दिया हुआ है, तो मास एंड नंबर के बीच में रिलेशन है, तो पहले लिख लो वन मोल CH4। तो नंबर के टर्म्स में CH4 कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बोलोगे कितना मॉलिक्यूल्स होगा, n मॉलिक्यूल्स होता है और क्या, ठीक है। और मास के टर्म्स में कितना हो जाएगा, मोलर मास के बराबर हो जाएगा ना, 16 ग्राम। अब देखो मेरा क्वेश्चन फॉर्म हो गया, क्या यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, देखो कितना 16 ग्राम में n मॉलिक्यूल्स है ना, तो 16 ग्राम में कितना हो गया बताओ, n मॉलिक्यूल्स हो गया, 1.6 ग्राम में कितना हो जाएगा, n बाय 16 इंटू क्या कर लोगे, 1.6, टेंशन फ्री हो गया ना, कितना हो जाएगा n बाय 10, और n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 6.022 × 10⁻², बात समझ में आ रहा है, लिखो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, कैलकुलेशन मैं बिल्कुल छोटा छोटा लिख रहा हूं, मुझे क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो जरा जरा देखो, अगेन यहां पे नंबर ऑफ एटम नंबर दिया हुआ है और ये मास पूछ रहा है, तो फटाफट से पहले क्या करोगे, ये लिख लो कि 1 मोल अमोनिया। और अमोनिया क्या है बेटा, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल्स, ऑलवेज याद रखो जी, 1n मॉलिक्यूल्स हो गया। अब पूछा क्या तुमसे, एटम पूछा, एटम, तो एटम में क्या करोगे बताओ, एटम टोटल एटम कितना है, 3 और 1 4 4 हो गया ना, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन टोटल कितने हो गए, 4। तो यहां क्या करोगे बताओ, एन के साथ इंटू कर दो, 4n एटम हो गया, बात समझ में आ रहा है। और मास के टर्म्स में लिखोगे तो 17 ग्राम होता अमोनिया का। अब देखो मेरे से बन गया क्या, कि 17 ग्राम में 4n एटम प्रेजेंट है, तो 1.7 ग्राम में कितना हो जाएगा, नहीं कर लोगे, 14n इंटू 17 इंटू क्या हो गया 1.7, ये कितना गया 10, मतलब कितना हो गया 14ny10, और n की वैल्यू यहां पे क्या पुट करोगे, 6.022 10^23। क्या समझ में आ रहा है, मिटा दो इसी को, ओके मिटा दू। अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं चेंज कर दिया, यहां पे 1.7 ग्राम अमोनिया है। अब यहीं पे अगर तुमसे पूछता है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चे, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो कैसे करोगे बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगेन मैं बार बार उसी को मेंशन कर रहा हूं, देखो 1 मोल अमोनिया हमने यहां पे ले लिया, तो 1 मोल अमोनिया में बताओ कितना एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना, एन मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पे देखो अमोनिया है, यहां पे अमोनिया है, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा, और हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, +3, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होता है, एन मॉलिक्यूल्स, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एन से इंटू कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 10n, क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बच्चे देखो बन गया ना, 17 ग्राम हो गया, तो अब बन गया ना देखो मुझे मेरा, 17 ग्राम में कितना हो गया, 10n हो गया, तो 1.7 ग्राम में कितना हो जाएगा, इजिली फाइंड कर लोगे ना, 10 7 इंटू क्या, देखो बहुत ही सिंपल है, बना लोगे, मिटा दू ना इसको, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे इसी तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, कि 3.42 ग्राम शुगर प्रेजेंट है कहां पे, प्रेजेंट इन अ टी, जो तुम चाय पीते हो ना, गर्म चाय की प्याली पीते हो ना, एक गर्म चाय की प्याली हो, ठीक है, तो उसमें कितना शुगर डाला हुआ है, प्रेजेंट इन अ, मान लो क्या, कप ऑफ टी, है ना, एक चाय की प्याली है, उसमें शुगर कितना डाला हुआ है, 3.42 ग्राम, तो यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ टी, उस जो चाय की प्याली है उसमें कितना कार्बन एटम, जो तुम चाय पी रहे हो, है ना, उस एक कप चाय में कितनी कार्बन एटम है, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे, देखो लैंग्वेज दिया हुआ है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना उसी पे सॉल्व करना है इसको, बढ़िया आराम से सॉल्व कर लोगे। बार बार देखो ये शुगर, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में देखो शुगर का फॉर्मूला बताया था ना क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखो क्या, कि 1 मोल शुगर, तो 1 मोल शुगर क्या होगा, C12H22O11, ऐसे लिख लोगे। अगेन क्या पूछ रहा है बताओ, नंबर पूछ रहा है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, मास दिया हुआ है, नंबर पूछ रहा है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा बताओ, एन मॉलिक्यूल्स होता है ना बच्चे, एन मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, और एटम पूछ रहा है यहाँ पे, तो शुगर के 1 मोल में कितना एटम है बताओ, कार्बन के 12 है, दिख रहा है कार्बन के 12 है ना, तो 1 मोल में कितना हो गया, एन से मैं बार बार बता रहा, एन से इंटू कर दोगे, यहां पर कितना हो जाएगा बताओ, 12n हो जाएगा, 12n क्या हो जाएगा,
कार्बन प्रेजेंट होगा और मोल के मास के टर्म्स में क्या हो जाएगा इसके मोलर मास, और मैंने बताया था कितना 342 ग्राम होता है। अब देखो निकल गया ना इजिली, मैंने यहीं से निकल गया कि 342 ग्राम में 12 N है तो 3.42 ग्राम में कितना हो जाएगा 12 × N अपॉन 342 × 3.42। देखो इसी वे बना लोगे ना, कैलकुलेट कर लोगे, एक दूसरा क्वेश्चन तो बना लोगे तुम लोग, ठीक है बनाओ। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है एक क्रेजी मैन है, ठीक है ना, एक एक पर्सन है, अ पर्सन कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सुगर टू द ईच पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एक पागल इंसान है जो क्या कर रहा है बताओ, जितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है सारे इंसान को क्या तीन तीन जो चीनी का वो जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, दाने समझते हो ना, चीनी का एक दाना, ठीक है, तो तीन तीन वो क्या कर रहा है पूरे वर्ल्ड में जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मान लो कि यहां पे सब कोच करो, मैं यहां पे थोड़ा ये कर दूं, है ना, कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज 5 × 10⁻¹⁰, ये 10 मान लिया, ओके, देन राइट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुगर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन। देखो अब यहां पे स्टेटमेंट आ गया ना, स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ नहीं आएगा, स्टेटमेंट देखकर डर जाओगे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन बेसिकली क्या मोल्स का क्वेश्चन है। क्या देखोगे यहां पे, बना लो जरा इसको, वीडियो पॉज करके बना लो, ठीक है बना लिया ना, अब जरा देखो अब यहां पे रिलेशन क्या है बताओ, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सुगर नंबर है ना नंबर, और पूछा क्या है हाउ मेनी ग्राम, मतलब अगेन यहां पे क्या बेटा बताओ, मास और किसका, नंबर का रिलेशन है ना, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, मास और किसका रिलेशन है, नंबर का रिलेशन है, कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है देखकर डर जाओगे, नहीं डरना, इजी वे में बना लेंगे क्या, जैसे मैं बता रहा था एक ही ट्रिप के ऊपर हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो क्या, सबसे पहले क्या लिख लोगे, हर लोगों को कितना डालता है, तीन मॉलिक्यूल्स देता है ना, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है बताओ 5 × 10⁻¹⁰ ना, तो टोटल जो यहां पे नंबर हो जाएगा, टोटल जो शुगर मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बताओ, शुगर मॉलिक्यूल्स टोटल कितना बटेगा 3 × 5 × 10⁻¹⁰, यही है ना, कि हर एक को तीन मॉलिक्यूल्स देता है और टोटल पॉपुलेशन इतना है, तो कितना मॉलिक्यूल्स बांटेगा वो 15 × 10⁻¹⁰ क्या 10 बांटेगा ना, बात समझ में आ रहा है। अब लिख लो यहां पे 1 mole C12H22O11 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, मॉलिक्यूल्स कितना बेटा, n मॉलिक्यूल्स हो गया ना, और n मॉलिक्यूल्स ये कितना बराबर होगा मास के टर्म्स में 342 ग्राम। अब बन गया ना, जरा देखो जब n मॉलिक्यूल्स बांटेगा तो n मॉलिक्यूल्स जब बांटेगा वो शुगर का तो कितना हो जाएगा बताओ 342 ग्राम आएगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास 15 है, तो 15 × 10⁻¹⁰ में कितना, जस्ट फॉलो किया यूनिटरी मेथड, 342 n का वैल्यू कितना पुट करोगे यहाँ पे 6.022 × 10⁻²⁷ × 15 × 10⁻¹⁰ कितना हो जाएगा 10। इजी है ना, डरने वाली बात नहीं, कर लो कॉपी, बना लोगे, मिटाओ जरा इसको, तो क्या समझ में आ रहा है समझ में, क्या करोगे कुछ नहीं, देखो एक ही पैटर्न पे कोई मोल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इजी वे में क्या करोगे फाइंड कर लोगे, ठीक है मिटा दो इसको, ओके। क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, अब जरा देखो एक क्वेश्चंस और मैं कर रहा हूं यहाँ पे,
क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यहां पे मैं दे दूं, यहां पे 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, दूसरा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तीसरा है 1 ग्राम ऑफ Cl2 एंड चौथा है कुछ भी ले लो 1 ग्राम ऑफ क्या ले लू, कैल्शियम ले लिया। ठीक है, अब इसमें चॉइस दे रखा, क्या था, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है, कैसे बनाओगे, टेंशन में आ जाओगे। जी नहीं, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था वैसे बिल्कुल लिखना है यहाँ पे। अब देखो 1 ग्राम ऑफ लिथियम है, पूछ रहा है क्या, मास दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे ना। जरा देखो यहाँ पे क्या करोगे, 1 मोल लिथियम लोगे, तो 1 मोल लिथियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, कितना एटम्स, कितना एटम होगा लिथियम में, एन एटम हो जाएगा, क्योंकि लिथियम एक एलिमेंट है, तो उसमें जो पार्टिकल्स क्या होगा, एटम क्या लाएगा, तो मान लो एन एटम हो गया, और इसका मास एटम्स में कितना हो जाएगा, 7 ग्राम, लिख लिया। अब जरा देखो, मालूम हो गया कि 7 ग्राम में एन एटम है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा बताओ, एन बाय 7 आएगा, नहीं आएगा, कितना एटम आएगा ना, एन बाय 7 इंटू क्या करोगे 1 ग्राम, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन बाय 7 आ गया। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एन है एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पे क्या होगा लिथियम का एटॉमिक मास है, तो सेम सब में वैसे ही कर दोगे, बोलो एन, ये कितना होगा एन बाय 23, क्यों, कि 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू एन एटम, एन एटम हो गया, और मास के टर्म्स उसके एटॉमिक मास क्या होगा 23 ग्राम के बराबर आ गया, तो आ गया ना 23 ग्राम में एन एटम है, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एन बाय 23 आ गया। इसमें अगर देखोगे तो 1 मोल Cl2 है, अब ये देखो मॉलिक्यूल्स है, दिस इज नॉट एटम, Cl2 मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में कितना लिखोगे बताओ, एन मॉलिक्यूल्स लिखोगे, क्लोरीन के एन मॉलिक्यूल्स है, तो एटम कितना हो जाएगा जी, 2, देखो 2 दिख रहा है ना, Cl2 है, 2 एटम है, तो क्या करोगे बेटा यहाँ पे 2n एटम लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास निकालोगे 35.5 होता है, इंटू 2 करोगे ये कितना आ जाएगा 71 ग्राम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 71 ग्राम में कितना आ रहा है बताओ, 71 ग्राम में कितना आ रहा है, 2n एटम आ रहा है ना, तो कितना निकालना है, 1 ग्राम में निकालना है, तो कितना करोगे 2n/71, अगेन ये कट के कितना आ जाएगा 35.5, मींस कितना आ गया ये एन अपन में 35.5 आ गया, इतना एटम आ गया। और कैल्शियम वाले में देखोगे तो कैल्शियम वाले में क्या होगा, 1 मोल कैल्शियम लिखोगे यहाँ पे, कितना होता है एन एटम हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 1 एटम, और ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो गया, तो मालूम चल गया कि 40 ग्राम में एन एटम है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा n/40 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे सारे, देखो एन बाय 7 है, एन बाय 23 है, एन बाय 40, एन बाय 35.5, तो डिनोमिनेटर सबसे लेस किसका है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसी की वैल्यू ज्यादा होगी ना, नहीं तो आप क्या करोगे डिवाइड करके भी देख लेना, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, दिस वन, कर लो कॉपी, कर लिया कॉपी, समझ में आ रहे हैं क्या। समझ में आ गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ, फर्स्ट यहां पे लिख देता हूं मैं क्या नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ क्या H2SO4। ठीक है, और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन यहां पे दे दूं क्या, कि क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं यहां पे अगर कुछ चेंज कर दूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्या ऑक्सीजन,
इन स्ट्रेस ऑफ। ठीक है, तो पहले एक जरा सीख लो, वो भी बना लोगे आराम से। पहले इसको देखो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, वन मोल एस टू एसओ फोर लिख लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहा हूं, वन मोल एस टू एसओ फोर है तो एम वन मोल एस टू एसओ फोर में बेटा कितना मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स बोलोगे। ठीक है, मैं पूछू ऑक्सीजन का कितना एटम, ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, एस टू एसओ फोर के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का चार एन है, फोर फोर ऑक्सीजन एटम है। तो यहां पे क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं, फोर एन कर दोगे ना, फोर एन एटम हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का, और ये कितना हो जाएगा 98 ग्राम किसका, मोलर मास के बराबर में। अब निकल गया ना 98 ग्राम में फोर एन एटम होगा तो 9.8 ग्राम में कितना हो जाएगा, फोर एन अपॉन 98 इंटू 9.8, कर लोगे ना कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो नंबर और वॉल्यूम आ गया, कोई गल नहीं है, नंबर और वॉल्यूम कोई गल नहीं। क्या करोगे, रिलेशन लिख लेंगे। रिलेशन लिखने बता रहा हूं ना बेटा, रिलेशन लिखने की कोशिश करो, कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या करोगे, विद इन अ मिनट सॉल्व करके बैठ जाओगे। बात समझ में आ रही ना, कितना बड़ा भी स्टेटमेंट क्यों ना हो, स्टेटमेंट पे जाना नहीं, पूछना है, देखना है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना, मास है, मास और नंबर है, या फिर मास और वॉल्यूम है, या फिर नंबर और वॉल्यूम है, तीन ही चीज हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर लो कि वन मोल CO2 लिखो, वन मोल CO2 लिख लिया, क्या लिखो यहाँ पे, नंबर पूछ रहा है ना, सबको मालूम है एन मॉलिक्यूल्स होता है, कहने की बात नहीं है। अब यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स हो गया, अब ये देखो मास के टर्म से लिखोगे कितना आ जाएगा, मास इसमें कोई डिस्कशन नहीं करा तो हम भी नहीं लिखेंगे, तो वॉल्यूम के टर्म्स में कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, कहां पे, एसटीपी के ऊपर, लिख लिया। अब दिख गया ना कि 22.4 लीटर में एन मॉलिक्यूल्स है, में एन मॉलिक्यूल्स है तो 11.2 लीटर में कितना हो जाएगा जी, एन अपॉन 22.4 इंटू 11.2 कट करके दो आ गया, कितना आ जाएगा एन बाय टू, और एन की वैल्यू है अवोगाड्रोस नंबर, क्या करोगे पुट कर लोगे। बात समझ में आ रही है, तो ये हमने क्या मास और उसका भी देख लिया ना, मिटा दो इसको। ओके, चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूं बना करके दिखाओ। 19.7 केजी सिल्वर ओके रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर ओके क्या कह रहा है कि 19.7 केजी सिल्वर रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर। ठीक है ना, चोर डाकुओं से कितना कितना सिल्वर मिला, 19.7 केजी। ठीक है, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिल्वर एटम ओके रिकवर्ड बना लोगे। 10 सेकंड का टाइम ले रहा हूं, वीडियो पॉज करो, ट्राई कर लो फटाक से, फटाफट करो। यह सारा मैं ही बनाता रहूं, आप नहीं बनाओगे, ट्राई करो ना, बन जाएगा। अरे बना लिया, बन गया ना। ओके चलो अब मैं ट्राई करता हूं। देखो अब यहां पे क्या लिखोगे बताओ कि वन मोल सिल्वर ठीक है कितना हो जाएगा बताओ, सिल्वर 19. यहां पे ऐसे लिख लो ना 10.8 केजी। ठीक है, तो वन मोल सिल्वर कितना होता है बताओ, उसमें एन एटम होगा बेटा, सिल्वर भी एक एलिमेंट है, एन एटम होगा, और यहां मास के टर्म्स में उसके एटॉमिक मास। तो अगर मान लो कि बच्चे अगर क्वेश्चंस वगैरह में है ना, कई बार क्या होता है उसका एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और वैसे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अभी 11th क्लास में हो, चिल मारो, 10th से आए हो, पेशेंस रखना पड़ेगा, 10th और 11th के सिलेबस में क्या बिग डिफरेंस है,
ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा, सीखने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो धीरे धीरे ये सारा चीजें, जैसे मुझे याद है ना सिल्वर का 108 ग्राम है, वो आपको भी हो जाएगा। सो टेंशन नहीं लेना। एन एटम 108 ग्राम, ठीक है बेटा। ये अब क्या बन गया ना मेरे क्वेश्चन, क्या कह रहे बताओ, कितना एटम कैलकुलेट करना है। अब इसलिए केजी में दिया हुआ था, हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो 108 ग्राम में कितना एटम हो गया, एन एटम हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इतना ग्राम आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 108 इंटू 10800, ये कैलकुलेट कर लोगे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्मगलर से जितना सिल्वर रिकवर हुआ उसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कितना सिल्वर का आइटम लेकर के वो जा रहा था। बात समझ में आ रही ना, कर लोगे। अच्छा जी चलो बच्चे, कभी ऐसा अगर तुमसे पूछ दिया कि कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, है ना। C12 जो कार्बन है उसके एक एटम का मास कितना होगा। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बताया था कि जो मोल एटॉमिक मास का जो हम लोग निकालते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, वो क्या करते हैं बताओ, कि जो पार्टिकल्स का नंबर होता है 6.022, उसी का मास वेट करते हैं ना, और जो वैल्यू आता है वही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास कहता है। बात समझ में आ रहा है ना। जरा देखो यहाँ पे कि वन मोल चिल्ल मारते हुए क्या लिख देना, वन मोल कार्बन, देखो वन मोल कार्बन लिखना है। तो वन मोल कार्बन का मतलब कितने है? कितने एलिमेंट होगा C12 का, कितना एलिमेंट एटम होगा बताओ, क्या बोलोगे, एन एटम होता है, एन एटम, समझ में आ रहा है, एन एटम हो गया। और मास कितना 12 ग्राम है ना, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, 12 ग्राम लिख लिया। अब देखो मुझे पता चल गया कि 12 ग्राम जो मास होता है कार्बन का वो कितने एटम का, एन एटम का है, ठीक है। तो 12 ग्राम एन एटम का मास कितना है बताओ, एन एटम का मतलब समझ रहे हो ना, कि 6.022 × 10²³ एटम का मास होता है 12 ग्राम। मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर, देखो इतना जो एटम होगा कार्बन का उसका जब वेट निकालोगे तब जाकर आ रहा है 12 ग्राम। तो एक एटम का पूछ रहा है बेटा, तो एक एटम का कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, 12/6.022 × 10²³ यही हो जाएगा ना। यहां से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। एक और क्वेश्चन देता हूं, मिटा दो इसको। एक और क्वेश्चन कर लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ 11.2 लीटर ऑफ CH4 एट STP, STP के ऊपर हमें फाइंड करना है। तो कर लोगे फाइंड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम दिया हुआ 1 मोल CH4 कितना हो जाएगा बताओ। सबसे पहली बात तो क्या करोगे, एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो अभी बताया था ना कि ये देखो CH4 है, इसमें कितना बोलो, कितना 6 एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो +4 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, एन मॉलिक्यूल्स है, ऑलवेज क्या करोगे इससे इंटू कर दोगे, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ, 22.4 लीटर हो जाएगा। अब बन गया ना देखो कि 22.4 लीटर में कितना हो गया, 10 एन इलेक्ट्रॉन। सो 11.2 लीटर में कितना हो जाएगा, 10/10, कर लोगे ना। देखो कितना आसान है, घर पे बैठ के क्या मोल का क्या क्वेश्चन बनाना, ठीक है। फिर कमेंट करके बताना बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा फिर और कोशिश करूंगा। बेसिक्स है, मूल कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में आता रहेगा, ठीक है ना। डेफिनेशन लर्न करोगे भूल जाओगे, उतना एप्लीकेशन नहीं आएगा। बट न्यूमेरिकल्स एक बार दिमाग में सेट कर गया क्या, मोल्स न्यूमेरिकल्स, तो सारे चैप्टर्स में जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री जो तुम लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में, जहां पे भी न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है बेटा, हर जगह मोल्स ही आना है। सो मोल्स को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉपी करो उसको। तो क्या कॉपी कर लिया, तो ये मेरा क्या था, मोल पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाया। अगर कोई सा भी डाउट होता है ना तो आप क्या करोगे, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।